पीएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले ही इस चैनल पर अपडेट दिया गया था, मंगल अपने नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का जो टाइम रहेगा बेहद सेंसिटिव रहने वाला है। काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ेगी इसमें और कई ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें एक प्रिडिक्शन जो दिया गया था कि मंगल, क्योंकि रक्तपात का कारक होता है, एक्सीडेंट इत्यादि कराने के लिए मंगल का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, चोट चपेट लगना, आग लगने की घटना, ये सभी मंगल देव कराते हैं। इसके अलावा जो परेशानी देते हैं, मंगल देव तो अपना काम करते हैं और शनि मंगल में षडाष्टक योग बन रहा था, आपने वो वीडियो देखा भी होगा, उसका क्लिप भी मैं अभी दिखाऊंगा कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा और षडाष्टक योग बनने के कारण परेशानी यहाँ पर आएगी और कई प्रकार की दुर्घटना होना, रक्तचाप, मतलब रक्तपात कहा जाए, रक्तपात बहुत ज़्यादा होगा, आग ही आग लगने की घटना होगी और इसमें वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सारी दुर्घटनाओं से संबंधित चीज़ें और युद्ध की स्थिति में भी के बढ़ने की संभावना भी इसी पीरियड में होगा और इसका प्रभाव जो रहेगा 17 जून के बाद ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन ये होना था, मंगल शनि का षडाष्टक योग ने इस तरीके से कराया। सबसे पहले हम क्लिपिंग देखते हैं जिसमें ये वर्ड कहा गया था, तो इसके लिए मैं कैमरे को आपको यहाँ पर शो करता हूँ स्क्रीन पर और इस स्क्रीन पर आपने देखा होगा व्हाट विल हैपन आफ्टर 10th में टू एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा करके आपको दिखाई दे रहा होगा, यूट्यूब का प्रेडिक्शन है, तो देखते हैं क्या कहा गया था। 17 जून से लेकर 1 जुलाई तक का जो टाइम रहेगा वो बहुत प्रबल रहेगा हर तरीके से, क्योंकि जब मंगल नीच के होते हैं तो खून खराबा बहुत तेजी से बढ़ जाता है, हर तरीके से ब्लड हर जगह होना, यानी युद्ध की स्थिति बहुत तेजी से बढ़ जानी और साथ में मंगल जब नीच के हो जाते हैं तो दुर्घटनाओं का दौर प्रारंभ हो जाता है, आग ही आग हर तरफ लगता है और ये सत्य है। अगर नहीं विश्वास है तो 1993 में भी ऐसी घटना हुई थी जब शनि अपने मूल त्रिकोण में जाकर नीच दृष्टि डाल रहे थे, वक्र दृष्टि डाल रहे थे और मंगल देव भी नीच के हो गए थे, आप उसको टैली कर सकते हैं। तो देखिए, इस पूरे वीडियो के क्लिपिंग को देखिएगा, समय अभाव के कारण पूरी क्लिपिंग नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मंगल देव जो हैं वो रक्तपात के लिए जाने जाते हैं और अपने परम नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के साथ षडाष्टक योग भी बना रहे हैं। शनि के साथ षडाष्टक योग बनना, मंगल का नीच होना, निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाओं को और बढ़ा सकते हैं। जो बार बार रेड अलर्ट कहने की बात की जा रही थी इसी ड्यूरेशन में, क्योंकि मई, जून और जुलाई एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें निश्चित रूप से ये परेशानी ज़्यादा बढ़ने वाली थी और ये परेशानी आगे भी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम बची हुई है, सीरियल ब्लास्ट वाली चीज़ें अभी बची हुई हैं और इस प्रिडिक्शन में जो बताया गया था कि रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना और नासा के रॉकेट का भी हवा में ये जो क्रैश हुआ था उसके बारे में भी इस वीडियो में बताया गया था, क्योंकि 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का जो पीरियड था निश्चित रूप से काफ़ी खतरनाक ये होना था। अब आगे क्या होगा, इस तरीके की घटनाएं, रेल दुर्घटनाओं का अभी जो क्रम है, मैं ये नहीं कहता हूं कि थम जाएगा, कम से कम 2 रेल दुर्घटनाएं और मैं यहां पर देख रहा हूं कि रेल दुर्घटनाएं हो सकती हैं और या तो रेल दुर्घटना होगी या तो वायु दुर्घटना, किसी प्रकार की दुर्घटना बड़ी जो कि मंगल के अधीन आती है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।